हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनिया बाटन चैनल। और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आज ये जिंगर चिकन बर्गर की रेसिपी, जो सबकी बहुत ही फेवरेट है। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें और बेल आइकन को ज़रूर से क्लिक करें, ताकि मेरी वीडियोस आपको मिल सके अपलोड करते ही। तो है ना ये चिकन बर्गर कितना डिलीशियस। इसको इजी बनाने के लिए मैंने इसको स्टेप्स में डिवाइड कर दिया है। तो सबसे पहला स्टेप है, हम प्रिपेयर करेंगे और मैरिनेट करेंगे चिकन को। तो इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रही हूँ चिकन ब्रेस्ट। मैं यहाँ पर एक ही चिकन ब्रेस्ट का इस्तेमाल करूँगी, जिससे बन जाएंगे चार बर्गर्स। और मार्केट से जब हम बर्गर खरीद के लाते हैं तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना एक बर्गर का कॉस्ट होता है। कंपैरेटिवली हम एक चिकन ब्रेस्ट से कन्वर्ट कर लेंगे चार बर्गर्स, तो बहुत ही सिंपल भी है और बहुत ही रीजनेबल भी रहता है घर पे बर्गर को बनाना। तो बस चिकन ब्रेस्ट को मैंने रखा है एक चकले पर और बिल्कुल पैरेलल रख के बीच में से एक स्लाइड कर दिया नाइफ, तो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। और उसके बाद सेंटर में से कट कर देंगे तो चार पार्ट्स हो जाएंगे। एक चिकन ब्रेस्ट में से चार बर्गर के लिए हमारे चिकन निकल कर आ जाएगा। तो ये देख सकते हैं आप, और आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतना चिकन का पोर्शन जो है वो इनफ रहता है एक बर्गर के लिए। तो ये मैंने चार पार्ट्स में इसको इस तरीके से डिवाइड कर लिया है। अब आप देख सकते हैं चिकन ब्रेस्ट कहीं ना कहीं से ऊपर थिक होती है, कहीं से पतली होती है, तो इसको हमें करना पड़ेगा इवन। तो इसके लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ एक मीट मैलेट का, जो बहुत ही आसानी से मार्केट में मिल जाता है। अगर आपके पास नहीं है ये तो सिंपल बेलन का इस्तेमाल करें। सिर्फ हमें चिकन ब्रेस्ट को फ्लैट करना है, तो इसलिए स्मूथ सरफेस चाहिए होता है कोई भी फ्लैट करने के लिए। हालांकि जो मैलेट होता है उसमें स्पाइक्स वाला सर्फेस भी होता है, और मैंने उसका थोड़ा सा इस्तेमाल करा है चिकन ब्रेस्ट पर, लेकिन चिकन के लिए हमेशा स्मूथ सर्फेस का इस्तेमाल करके इसको करना है आपको फ्लैट, यानी कि चारों तरफ से ये इवन हो जाए। जिसके लिए आप बेलन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा मैंने बताया क्लिंग रैप में लगाएं और उसको बेलन से आपको बीट करना है। और बस इस तरीके से आपकी चिकन ब्रेस्ट तैयार हो जाएगी, बिल्कुल फ्लैट हो जाएगी। तो अब चलते हैं, प्रिपेयर करते हैं हम मैरिनेट। उसके लिए मैंने लिया है 1.5 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच गार्लिक पाउडर, 1 चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर यानी कि क्यूमिन पाउडर, 1/2 चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर और 1/8 टीस्पून मैंने लिया है हल्दी और साथ साथ नमक। इसके साथ साथ मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी मिक्स्ड हर्ब्स। आप कोई भी हर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑरिगानो, बेसिल या जो भी आपके पास अवेलेबल है। और साथ साथ ही इसमें डाल देते हैं 1 टेबल स्पून वाइट विनेगर का। अगर विनेगर नहीं है आपके पास तो नींबू का रस भी डाल सकते हैं आप, 1/2 नींबू लें और उसका रस इसमें निचोड़ दें। बस सारी चिकन ब्रेस्ट को अब अच्छे से मैंने कोट कर लिया है। इसको हम रख देंगे करीब 1 घंटे के लिए साइड में, यानी कि 1 घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे इसको, जिससे कि टेस्ट बहुत बढ़िया आता है जब सिंगर चिकन तैयार होता है हमारा, जब हम फ्राई करेंगे इसको, तो जो असली टेस्ट है वो आता है जो हम मैरिनेट कर रहे हैं उससे, क्योंकि स्पाइसेस से कोटेड है सारी चिकन ब्रेस्ट। तो बस इसको रख देते हैं अब 1 घंटे के लिए हम साइड में, और उसके बाद हम फ्राई करेंगे इसको। तब तक हम प्रिपेयर करते हैं अपना वेट मिक्स और ड्राई फ्लावर मिक्स, जिसमें हम कोट करेंगे चिकन पीसेस। तो चलते हैं अपने सेकेंड स्टेप की तरफ, जो कि है मेकिंग द एग वॉश और ड्राई फ्लावर मिक्स। तो पहले ड्राई फ्लावर मिक्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप मैदा, जिसमें डाल रही हूँ 1/2 कप कॉर्न स्टार्च, साथ साथ सीजनिंग के लिए इसमें डाल देते हैं नमक, उसके साथ साथ इसमें डालेंगे 1 चम्मच गार्लिक पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर, और बस इसको मिला देंगे। ये इसलिए डाला है मैंने इसमें ताकि जब हम कोट करें इसमें ड्राई फ्लावर में इसको, तो कोटिंग में भी हमारी टेस्ट हो, यानी कि कोटिंग हमारी बिल्कुल फीकी फीकी ना लगे, थोड़ी सी स्पाइसी कोटिंग होती है तो बढ़िया लगती है खाने में। तो ये ड्राई मिक्स तैयार हो गया। और वेट मिक्स बनाने के लिए बस 2 अंडे लेंगे हम और इसको अच्छे से बीट कर लेंगे, यानी कि फेंट लेंगे। आप चाहें तो 2 टेबल स्पून दूध भी डाल सकते हैं इसमें,
मैं बस दो अंडे लेके फेंट रही हूँ, हल्का सा नमक डाल दिया है, आप चाहे तो काली मिर्च पाउडर या कोई और चीज़, लाल मिर्च भी आप डाल सकते हैं। मैं सिर्फ इसमें सॉल्ट डाल के इसको फेंट रही हूँ, क्योंकि बाकी चीज़ों में हमने अच्छी अमाउंट में स्पाइसेस ऐड किए हैं। तो ये हमारा बनकर तैयार हो चुका है वेट मिक्स, जिसमें हम कोट करेंगे चिकन के पीसेस। तो अब चलते हैं तीसरे स्टेप की तरफ, जो कि हम प्रिपेयर करेंगे यमी जिंगर सॉस, जो असली टेस्ट देती है इस बर्गर को। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ थोड़ी सी मस्टर्ड सॉस, केचप और मेयोनेज। मेयोनेज जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो गार्लिक मेयोनेज का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास गार्लिक मेयो नहीं है तो आप गार्लिक पाउडर ऐड कर सकते हैं थोड़ा सा, या फ्रेश ग्रेटेड गार्लिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तीन सॉसेज का मिक्सचर जो है आप अपने हिसाब से बड़ा घटा सकते हैं, जो फ्लेवर आपको ज़्यादा पसंद है। यानी कि अगर आपको ज़्यादा क्रीमी पसंद है तो मेयो ज़्यादा बढ़ा दें, थोड़ा सा स्वीट साइड पर पसंद है तो केचप ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो इन तीनों का प्रोपोर्शन आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। साथ साथ थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिए हैं मिक्स्ड हर्ब्स, यानी कि आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे ऑरिगैनो है आपके पास, बेसिल है, या कुछ भी मिक्स्ड हर्ब्स है, आप वो इस्तेमाल करके प्रिपेयर कर सकते हैं ये यमी सी जिंगर सॉस। साथ साथ ही मैं प्रिपेयर कर रही हूँ बर्गर बंस, जो मेरे पास इस तरीके से हैं। तो मैं इसमें बीच में कट लगाकर इसको ऑलरेडी प्रिपेयर करके रख रही हूँ, ताकि बस अब हम अपनी चिकन को फ्राई करें और उसके बाद हम फटाफट से असेंबल करें अपने चिकन बर्गर्स। तो बनकर तैयार हो चुकी है ये हमारी डिलिशियस क्रीमी गार्लिकी जिंगर सॉस। देख सकते हैं आप, ये बढ़िया सा कलर जो इसमें आया है ये भी बहुत अट्रैक्टिव रहता है, क्योंकि चिकन बर्गर के साथ जो क्रीमी सॉस का इस्तेमाल होता है वो थोड़ी सी क्रीमी और कलर की होती है, या आप बोल सकते हैं येलोइश होती है। तो अब चलते हैं, मूव ऑन करते हैं अपने फोर्थ स्टेप की तरफ, जिसमें हम कोट करेंगे चिकन के पीसेस को और उसके बाद करेंगे उसको फ्राई। तो सबसे पहला स्टेप है कि हमने जो चिकन मैरिनेट करा है उसमें से हम इस तरीके से ब्रेस्ट को लेंगे और उसको सबसे पहले हम सूखे फ्लार में, जो हमने मिक्स तैयार करा है, यानी कि सूखा जो हमने फ्लार मिक्स तैयार करा है उसमें कोट करेंगे। उसका रीज़न यही है कि स्पाइसेस से ऑलरेडी कोटेड हमारा चिकन है, अगर हम उसको डायरेक्टली गीला वाला जो मिक्स हमने, यानी कि जो वेट मिक्स तैयार करा उसमें डाल देंगे तो जो हमारा स्पाइसेज हैं सारे निकलने लगेंगे। तो पहले हम उसको डालते हैं सूखे मिक्स में, यानी कि जो ड्राई फ्लार है उसमें कोट करेंगे, और उसके बाद एग वॉश में डिप करेंगे, और उसके बाद दोबारा हम इसको इस तरीके से कोट करेंगे फ्लार में। तो ये देख सकते हैं आप, इससे हमारे स्पाइसेस की लेयर आ जाएगी पहले, और उसके बाद सेकंड लेयर आ जाएगी इसके ऊपर, जो हमने स्पाइस मिक्स तैयार करा है जिसमें भी हमने स्पाइसेस ऐड करा है, यानी कि ये भी स्पाइसी है जो कोटिंग हम प्रिपेयर कर रहे हैं। अब रिपीट करेंगे इस प्रोसेस को, एक बार और इसको डालेंगे एग वॉश में, और एक बार और इसको हम कोट करेंगे फिर से ड्राई फ्लावर मिक्स में। तो एक तरीके से दो कोटिंग आ गई है, ये जो सूखा जो हमने आटा मसाले डाल के तैयार करा है उसकी। तो ये दो कोटिंग आने से जब आप इसको फ्राई करेंगे तो बहुत ही अच्छी क्रिस्पी कोटिंग आती है जिंगर बर्गर पे, और साथ साथ ये कोटिंग बहुत डिलिशियस होती है, तो खाने में भी बहुत मज़ेदार लगती है। तो बस इसको अच्छे से आप ड्राई फ्लावर जो है वो निकाल लें, यानी कि आप चिकन ब्रेस्ट को अच्छे से हिला लें ताकि जितना एक्स्ट्रा फ्लावर है वो उसमें से निकल जाए, और उसके बाद बिल्कुल एकदम तेज़ गर्म तेल में, यानी कि स्मोकिंग हॉट आपको तेल रखना है, और उसके अंदर डाल देनी है आपको ये चिकन ब्रेस्ट। और उसके बाद फ्लेम को आप हाई फ्लेम से थोड़ा कम कर सकते हैं, हाई फ्लेम पे पहले तेल को गर्म करें, उसके बाद ये चिकन ब्रेस्ट आप इसमें डालें, और उसके बाद मीडियम फ्लेम पे आप इसको आराम से 2-3 मिनट एक साइड पर सेकें, और इसी तरीके से दोनों साइड आपको अच्छी लाइट ब्राउन कर लेनी है पकाकर, क्योंकि चिकन ब्रेस्ट बहुत जल्दी पक जाती है। तेल का टेम्परेचर मेंटेन करना इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपका तेल हल्का भी ठंडा हो जाएगा तो आपकी कोटिंग टूटने लगेगी, और अगर बहुत तेज़ होगा तो एकदम से आपकी कोटिंग बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन हो जाएगी और चिकन अंदर से रह जाएगा कच्चा। तो बस इवनली इसको चारों तरफ से मैंने फ्राई कर लिया है, और इसके बाद ये ब्रेस्ट को निकाल के मैंने एक वायर्ड रैक पर रखा है, जिससे कि सॉगी ना हो हमारी जो चिकन की कोटिंग, जो फ्लार कोटिंग है वो। आप इसको टिश्यू पेपर या पेपर टॉवल पर ना रखें, इसको इस तरीके से वायर्ड रैक पर रख दें एकदम निकालते ही, और जो इससे क्या होगा, जो आपकी कोटिंग है फ्लावर मिक्स की वो टूटेगी नहीं और बिल्कुल भी सॉगी नहीं होगा आपका चिकन। तो ये बढ़िया चिकन फ्राई हो चुका है हमारा, इसी तरीके से सारे पीसेस जो है मैंने फ्राई कर लिए हैं। तो अब चलते हैं अपने लास्ट स्टेप की तरफ, जो कि है असेंबलिंग द जिंगर बर्गर, यानी कि बस अब हमारा इजी सा काम रह गया, यानी कि सब चीज़ों को इकट्ठा करके बर्गर को सेट करना। तो इसके लिए मैंने लेटस काट के तैयार कर ली है, और साथ साथ ये अनियन रिंग्स आप देख सकते हैं, और टमाटो स्लाइसेस कट कर लिए हैं, और अब चलते हैं बर्गर पे लगाते हैं इन सब चीज़ों को। तो सबसे पहले मैं हॉट चिली सॉस लगा रही हूँ, क्योंकि चिली का फ्लेवर मुझे पर्सनली पसंद है। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप केचप भी लगा सकते हैं। ऊपर इसके लगाएंगे हम एक लेटस, ये लेटस थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर लगा दिया, उसके ऊपर जाएगा जो हमारा जिंगर चिकन हमने फ्राई करके तैयार करा है वो, साथ साथ ऊपर से जाएंगे टमाटो स्लाइसेस, और उसके साथ साथ ही इस पे जा रहे हैं अनियन रिंग्स, और बर्गर हमारा बिल्कुल रेडी है। बस अब हम टॉप
जो बर्गर बन है उसको लेंगे और उसके ऊपर लगाएंगे जो हमने स्पेशल जिंगर सॉस बनाई है वो, और उसको कवर कर देंगे इस तरीके से। तो ये जो क्रीमी सॉस है ये असली मज़ा है इस बर्गर का, बिकॉज़ एक तो चिकन में जो टेस्ट है वो, और साथ साथ ये क्रीमी सॉस जब चिकन बर्गर पर आपके दिखाई देती है तो बर्गर को बना देती है और भी माउथ वाटरिंग और भी टेम्पटिंग। अगर आप चाहें तो इसमें आप एक चीज़ स्लाइस भी ऐड कर सकते हैं जो कि आपकी पर्सनल चॉइस है। मुझे पर्सनली इसी तरीके से पसंद है ये बर्गर विद द सॉस, तो मैंने इसी तरीके से इसको सर्व किया है। तो डिलीशियस सा ये होममेड जिंगर चिकन बर्गर बनकर तैयार है। आई होप ये रेसिपी आपको पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई है ये रेसिपी तो आपको पता है कि आपको क्या करना है, आपको हिट करना है लाइक का बटन, जिससे मुझे पता चलता है कि मेरी वीडियोस आपको आ रही हैं पसंद। तो हिट कीजिएगा लाइक का बटन और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं दिखाती हूँ आपको ये बर्गर कट करके किस तरीके की लेयर्स हैं इसके अंदर। तो बस मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक एंजॉय कीजिए ये डिलीशियस रेसिपी एंड हैव अ लवली टाइम विद योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड लव्ड वंस। गॉड ब्लेस, बाय बाय एंड टेक केयर।